जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम नॉर्मल टेल लैंप्स को एलईडी में अपग्रेड करने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप यहां पर देख रहे हो। काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस हमें इसका मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप मार्केट में एलईडी वाले टेल लैंप अगर परचेस करने जाते हो तो मिनिमम आपको 2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, या फिर 2000 से ज़्यादा का भी खर्चा आपको यहाँ पर आ सकता है। लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप कोई भी नॉर्मल हैलोजन बल्ब लगने वाला टेल लैंप को आप इजीली एलईडी में कन्वर्ट करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाया जाएगा किस प्रकार से आप इन टेल लैंप्स के अंदर एलईडी लाइट को फिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो मैं वीडियो शुरू कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमें इस लाइट को यहाँ पर मॉडिफाइड करना है। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। दोस्तों, इस टाइप का मॉडिफिकेशन आप कोई भी गाड़ी में कर सकते हो, टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर, कोई भी गाड़ी का अगर ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट है तो उसमें आप हैलोजन बल्ब निकाल करके एलईडी लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर हैलोजन बल्ब लगे हैं, तो इसको हमें यहाँ पर घुमा करके ऐसे निकाल देना है। प्रेस करके इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल जाते हैं। ये अपना हैलोजन बल्ब, एक बल्ब आपका 21 वाट का होता है, जो कि इसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है गाइस। इसके मुकाबले अभी हम इसको निकाल करके जो हम इसमें एलईडी मॉडल को लगाने वाले हैं उसका वैट मैक्सिमम 3 वाट का एक एलईडी होता है। तो गाइस, अभी हमें क्या करना है, इसके होल्डर में लगे ये जो वायर कनेक्टर हैं इसको हमें यहाँ पर निकाल देना है। तो पीछे की साइड से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये भी इंडिकेटर का ये होल्डर है, तो इसमें लगा ये जो पॉजिटिव का वायर है इसको हमें यहाँ पर निकाल देना है। तो पहले मैं इसका जॉइंट में यहाँ पर निकाल देता हूँ। अगर यहाँ पर जॉइंट नहीं है तो इसको आप कट करके भी निकाल सकते हो। देखिए, इस टाइप की कनेक्टर और इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, तो ये मैंने दूसरे वाले टेल लैंप के अंदर से निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। ओके, अभी हमें इनका कुछ काम नहीं है। जब भी हमें वापस इसमें हैलोजन बल्ब अगर यूज़ करने हैं तभी ये काम में आएंगे, इसलिए आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने जॉइंट को निकाल दिया है। अभी इस वायर कनेक्टर को हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसकी जगह पर यहाँ पर एलईडी लगाना है तो होल्डर की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कनेक्टर को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अभी देखिए, इस टाइप के जो एलईडी मॉड्यूल आते हैं, इस टाइप के एलईडी मॉड्यूल हमने बाइक में भी लगाए हैं और इस बोलेरो पिकअप के अंदर भी हमने बहुत से एलईडीज लगाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो इसी टाइप के एलईडी मॉड्यूल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ब्रेक के लिए, पार्किंग के लिए, इंडिकेटर के लिए और रिवर्स लाइट के लिए। इस प्रकार के किसी भी टाइप के एलईडीज आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ पर कार डेकोरेशन का सामान मिलता है उस जगह पर ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के ऊपर भी ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, और ऑनलाइन भी। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अभी दोस्तों, हमें इंडिकेटर के लिए यहाँ पर येल्लो कलर का एलईडी मॉड्यूल को यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका वायर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। वायर की लेंथ को मैंने यहाँ पर बड़ा लिया है, आप मिनिमम 1 फीट का यहाँ पर वायर ले सकते हो। इस टाइप का वायर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, 1 फीट का वायर आपको ले लेना है। अभी इस इंडिकेटर का ये जो होल्डर था इसकी जगह पर इसका वायर, इसको यहाँ पर आसानी से पास करा लेना है, और अभी इसी जगह पर हमें इस लाइट को यहाँ पर फिटिंग करना है। तो गाइस, इसका कनेक्शन करने के लिए इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। तो मेरे केस में यहाँ पर इसका ब्लू वायर पॉजिटिव का है, तो इस पॉजिटिव वायर को मैं उसी इंडिकेटर के कनेक्शन में यहाँ पर जोड़ देता हूँ जहाँ से इंडिकेटर का पॉजिटिव सप्लाई आया था। ओके, तो ये ब्लू वायर को मैंने इंडिकेटर के पॉजिटिव सप्लाई में यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव कनेक्शन उसका हो चुका है। अभी उसका जो नेगेटिव है गाइस, ये वॉलेट वायर,
तो इसको मैं किसी भी ब्लैक वायर के अंदर जोड़ दूंगा। अभी सेम वैसे ही रिवर्स लाइट का भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो देखिए रिवर्स लाइट का भी मैंने यहाँ पर इसका वायर कनेक्टर निकाल दिया है, इसका स्प्रिंग भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अभी देखिए इस टाइप का एक रबर का आपको इस प्रकार का एक पीस मिलेगा, तो इसका थोड़ा सा होल थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके अंदर से हमें वायर को पास कराना है। इंडिकेटर का जो लाइट था उसमें इस टाइप का रबर का कोई पीस था नहीं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स लाइट का ये जो होल्डर था उसमें हमें इस प्रकार का एक रबर का पीस यहाँ पर मिल चुका है। इस पीस को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। अभी रिवर्स लाइट के लिए हम वाइट कलर का LED मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, और ये रहा वो रबर का एक पीस। ठीक है, अभी इसकी जो वायर है इसको इसी रिवर्स लाइट के होल्डर में से यहाँ पर पास कर लेते हैं, और पीछे की साइड में हम वायर को निकाल देंगे। इस वाइट LED को हमें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है, हम इसको बाद में ग्लू से चिपकाएंगे। ओके, चलो अभी हम रिवर्स लाइट का भी यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस मेरे केस में यहाँ पर वायर लूम के अंदर देखिए ये रिवर्स लाइट का पॉजिटिव सप्लाई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके तारे देखिए बिल्कुल काले हो चुके हैं। ये लोड ज़्यादा होने की वजह से, हैलोजन बल्ब का काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, इसलिए वायरिंग में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर कनेक्शन इसका कर देता हूँ। तो यहाँ पर वाइट LED का जो पॉजिटिव वायर था ब्लू कलर का, तो उसको मैंने इसी वायर के अंदर यहाँ पर जोड़ दिया है। अभी ये जो वाइट कलर का जो वायर है ये मेरा नेगेटिव का है, तो अभी हमें सभी नेगेटिव हमें आपस में मिला देने हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर का दिख रहा है गाइस, इसके अंदर हमें यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई मिल जाता है, या फिर आप इसे बॉडी अर्थ भी कर सकते हो। ओके, देखिए ये सभी जगहों पर बॉडी अर्थ किया गया है, तो यहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। अभी गाइस ब्रेक और पार्किंग का कनेक्शन बाकी है, तो इसके लिए हम ये दो LEDs को यूज़ करेंगे। तो इसमें से देखिए यहाँ पर दोनों LED के यहाँ पर हमने नेगेटिव कॉमन कर दिए हैं, और दोनों के पॉजिटिव हमने अलग अलग रखे हैं। अभी इसका भी वायर हमें यहाँ पर अपग्रेड कर देना है, वायर को हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो मैक्सिमम आप 1 फीट का वायर ले सकते हो। इसे पट्टा वायर भी कहते हैं इस टाइप का, या फिर कोई भी स्पीकर का वायर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसका ज़्यादा लोड नहीं होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी गाइस यहाँ पर मैंने नेगेटिव यहाँ पर जोड़ के, अभी इस वायर का नेगेटिव मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। अभी यहाँ पर ब्राउन वायर का मेरा ब्रेक का कनेक्शन है, ये मैंने इस वाले LED के पॉजिटिव में जोड़ दिया है, और ये जो वाइट वायर है इसको मैंने दूसरे LED के पॉजिटिव में जोड़ दिया है। अभी हमें इसको अच्छे से यहाँ पर टेपिंग कर लेना है। अभी यहाँ पर टोटल 3 वायर कनेक्शन है, इसमें से ब्लैक वायर आपका जाएगा नेगेटिव में, वाइट वायर आपका पार्किंग का, और ब्राउन वायर आपका ब्रेक का पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, अभी दोस्तों इन दोनों LEDs के ये जो वायर है इनको भी हमने इसी होल्डर में से पास करा लेना है, और इसका रबर जो है वायर के अंदर डाल देना है। अभी यहाँ पर इसको हम अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारे चारों LED यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमें इसको खाली फिक्स करना बाकी है। अभी हमें इसको ग्लू गन से इसको फिक्स करना है, या फिर आप इसको चिपका सकते हो। इसके साइड में पीछे डबल साइड टेप लगा होता है। तो अभी पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। अभी कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले ये जो इसका देखिए यहाँ पर ये दोनों जो वायलेट वायर है ये ऑलरेडी नेगेटिव के सप्लाई के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। अभी इसका ये जो ब्लैक वायर है इसको भी हमें नेगेटिव यहाँ पर जोड़ देना है। अभी ये हमें नेगेटिव में हमारे तीनों चारों वायर हमारे नेगेटिव में जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो वाइट वायर है ये आपका पार्किंग का है, तो इसको हम पार्किंग के पॉजिटिव सप्लाई में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पार्किंग का कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी रनिंग मोड। अभी ये जो ब्राउन वायर है इसको हमें ब्रेक के सप्लाई में जोड़ देना है, यानी जैसे ही ब्रेक हम टच करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा, और हमारा LED जो है यहाँ पर ग्लो करेगा। इस प्रकार से गाइस इसका कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको कंप्लीट यहाँ पर टेपिंग कर देते हैं अच्छे से। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो LED मॉड्यूल हमने लगाए हैं, तो इन चारों LED मॉड्यूल को हम अच्छे से ग्लू गन यूज़ करके अच्छे से इनको चिपका देते हैं। सबसे पहले आप इसको इसके पीछे डबल साइड टेप लगा होता है उससे पहले आप इसको फिक्स कर दीजिए। ऊपर से हम इसको ग्लू लगा सकते हैं, तो अभी हम इसको अच्छे से यहाँ पर ग्लू लगा करके अच्छे से फिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पर फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पीछे PVC मटेरियल का ये इसका पूरा बॉडी बना होता है, तो PVC मटेरियल के लिए ग्लू गन एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चिपक जाता है।
और बाद में अगर हम कोई LED को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी गाइस अभी हम इसको यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, इस प्रकार से इसका ब्राइटनेस हमें यहाँ पर मिल जाता है। देखिए दोस्तों इंडिकेटर का आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस हमें इसका मिल जाता है। तो गाइस ये लाइट जो है आपकी गाड़ी की जो बैटरी है काफ़ी कम पावर कंज्यूम करने वाले हैं। देखिए ये आपका पार्किंग मोड है यानी रनिंग मोड, ये आपका ब्रेकिंग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमें ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा दिख जाता है, विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, और डे टाइम में भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन मैं वीडियो के अंदर आपको डे टाइम में दिखा नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन किसी और शॉट के अंदर मैं आपको डे टाइम का भी इसका ब्राइटनेस चेकआउट करवाऊँगा। ये इसका रिवर्स लाइट है गाइस, ओके। और ये सभी मोड आप यहाँ पर देख सकते हो, रिवर्स मोड, पार्किंग मोड और ये आपका इंडिकेटर मोड। तो इस प्रकार से इसका ब्राइटनेस हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। और गाइस ये मॉडिफिकेशन करने के बाद आपका गाड़ी का जो बैटरी है 100% सेव होगा, काफ़ी कम पावर ये कंज्यूम करते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल जाता है, ओके। गाइस यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन हमने कर रखे है इस गाड़ी के अंदर, उन सभी के ऊपर आपको अपने चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर एक से बढ़कर एक वीडियोस मिल जाएंगे। और भी जैसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर के मॉडिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो सिस्टम, ऐसे बहुत से टाइप्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए, सीखिए और हमें कमेंट्स करते रहिए, ओके। आपका जो भी सजेशन है आप हमें शेयर कीजिए। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को हमारा गाड़ी का डेकोरेशन पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए गाइस मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।